घोड़े की यहाँ की कीमत मैंने पूछ रहा था तो डिपेंड करता है कि यहाँ से 10,000 से लेके 14-15,000 20,000 सो। यहाँ पे मैंने घोड़ा देखा, बकरी देखी, भेड़ देखा, गाय देखी, बैल देखी। जैसे कि ये कार आपको मिल जाएगी 35,000 किर्गिस सोम लादा, इन्होंने काफ़ी सोवियत ओल्ड कार है। स्कूल का 35 किलोग्राम था गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सच में काफ़ी ज़्यादा सुबह हो रहा है यार, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। रात के यहाँ पे हम लोग 1:30 बजे पहुँचे थे, सोते सोते 2 बज गया, 4 घंटे सोया सिर्फ। इसके बाद सुबह सुबह उठ के आ गया ब्लैक मार्केट बोल रहा हूँ, अब जस्ट अफ्रीका से पहुँचा हूँ। ब्लैक मार्केट की आदत सोच की, यहाँ पे ब्लैक मार्केट तो नहीं है लेकिन यहाँ पे एक है एनिमल मार्केट। तो एनिमल मार्केट है ये कुछ ऐसा, यहाँ पे अब शहर से काफ़ी 15 किलोमीटर बाहर आते हो फिर यहाँ पे क्या है कि ना कि लोग गांव से ना एनिमल को ख़रीद के लेके आते हैं, मतलब लेके आते हैं। जब मैं कल रात को आ रहा था तो मैंने देखा था कि बड़ी बड़ी ट्रक में, बड़ी बड़ी कारें में, कार के पीछे वाले डब्बा हिस्से में लोग एनिमल को यहाँ पे लेके आते हैं। अलग तरीके एनिमल, गाय हो गया या तो बकरी हो गया या तो फिर कुछ भी घोड़ा हो गया, सब कुछ को लेके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। और उसका जो मेन रीज़न है, अच्छा देख लो ये भाई अपनी कार के पीछे इन्होंने एक ये बना रखा है, और इसके पीछे भाई 2 गायें हैं, 4 सिप हैं, भेड़ हैं, 3 सिप हैं, 2 गायें छोटी छोटी। इस तरह के भाई आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो या तो फिर लोग, कई लोग तो कार की डिक्की में लेके आते हैं, ये मैंने देखा था। तो बेसिकली ये लोग गांव से लेके आते हैं, ये काराकोल में 1 लाख रुपए लग जाते हैं, 100,000 पीपल। तो यहाँ पे आके इनको बेचते हैं इधर मीट के काम में। सी ये भाई साहब गोरा लेके आए हैं बेचने के लिए, इनसे पूछता हूँ कितना बेचेंगे। दराश ब्रद सलाम, स्कूल का जूज मी स्कूल का 100,000 хорошо 130 का, उन्होंने भाई साहब समझ में नहीं आया, 1300 सो नहीं समझ नहीं आया, अब पता नहीं कितने का है नहीं है, 130 बोला उन्होंने। अभी आप जाओगे तो उधर और काफ़ी आपको एनिमल्स मिलेंगे, देखो ये भी ज़्यादा है, घोड़े वगैरह सब कुछ लेके आते हैं यहाँ पे। तो भाई इस मार्केट में एक सेक्शन बना हुआ है, इसे मान के चलो कि कहीं सेक्शन बना हुआ है घोड़े का, तो कहीं है बकरियों का, कहीं भेड़ों का, या तो फिर कहीं गायों का। तो यहाँ पे हर चीज़ है, जैसे कि ये पूरा जो सेक्शंस है अलग अलग तरह के घोड़े हैं, यहाँ पे घोड़े भाई साहब के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, सही घोड़ा है भाई। हाय हेलो, लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं यहाँ पे, अच्छी बात है। और घोड़े की यहाँ की कीमत मैंने पूछ रहा था तो डिपेंड करता है कि यहाँ से 10,000 से लेके 14-15,000 20,000 सोम, क्योंकि इंडियन रुपीज में बनता है 8,000 से लेके 12-13,000 और मैक्स 17-18,000 रुपये। तो ठीक है, ये है घोड़े की प्राइस। यहाँ पे खरीदना है तो खरीद सकते हो, 150 डॉलर का घोड़ा मिल जाता है यहाँ पे, अलग अलग वेराइटी के घोड़े मिलेंगे यहाँ आपके आपको। यहाँ पे मैंने घोड़ा देखा, बकरी देखी, भेड़ देखा, गाय देखी, बैल देखी, आई थिंक यही मेन एनिमल्स हैं यहाँ पे, खास करके घोड़ा और भेड़ आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ का ये मेन एनिमल है, खाने के भी काम आता है, ये घोड़े को खा भी लेते हैं और साथ ही साथ ये घोड़े इसके मतलब घुड़सवारी भी कर लेते हैं, ये लोग नॉमेडिक फैमिली है तो सही है इनकी लाइफ यार, सही है लाइफ, इसका काम भी कर लो फिर खा भी लो।
खराशो तो भाई हम लोग वापस से जाना चाहिए अब, क्योंकि सवेरे हो गया है और सन निकलने के बाद यहाँ से ख़त्म हो जाता है, मतलब ये मार्केट ख़त्म हो जाता है। तो मार्केट काफ़ी धीरे धीरे उठने लगा है, लोग जाने लगे अपने घर। बेसिकली ये मार्केट स्टार्ट हो जाता है शाम के, रात के बोलो रात के 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के जब तक सवेरा ना होता चलते रहता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो कि मार्केट से अलग अलग द्राश्य लोग काफ़ी फ्रेंडली है यहाँ पे। तो आओ भाई इस मार्केट, अगर कभी कला खोला आ रहे हो तो ये मार्केट आना मत भूलना। ऐसे सिर्फ 4 घंटे सोया हूँ, अब जाके घर पे सोऊंगा 2-3 घंटे, फिर बाहर निकलता हूँ और फिर कहीं अलग देश के लिए जाता हूँ। देश बोल रहा हूँ, अलग देश तो जाऊँगा ही 3-4 दिनों में, लेकिन अभी अलग सिटीज जाऊँगा। यहाँ पे सोच रहा हूँ इंचिनचक तक जाऊँ जो कि चाइनीज़ बॉर्डर के पास आता है। चलो देखते हैं क्या होता है, कल हो सके चलेंगे जरगलान वैली, पास में ही पड़ता है जरगलान वैली, मैं गया हूँ पहले। वापस से जाएंगे वहाँ पे, वहाँ पे एक मैं स्कूल में पढ़ाया करता था, वापस से स्कूल पे जाकर बच्चे से मिलूंगा। 2 साल में कुछ बदला या नहीं बदला, क्योंकि 2 साल पहले मैं ये देश आया था। तो भाई चलते चलते हम लोग कार मार्केट के पास से पहुँच गए। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी कार मिलेगी, जैसे किसकी प्राइस है 2,65,000, इंडियन करेंसी में 2,30,000 के आसपास बनेगा। जैसे कि ये कार आपको मिल जाएगी 35,000 किर्गिज सोम लादा, यू नो काफ़ी सोवियत ओल्ड कार है। कब कितने की मॉडल है, 1986 की मॉडल है और 35,000 रुपये लोकल करेंसी में दाम है। तो 35,000 का मतलब हो गया अराउंड इंडियन करेंसी में 30,000 के आसपास बनेगा भाई। 30,000 में ये सब कार मिल रही है भाई, ले लो। अब अगर कहीं पे यहाँ पे रहने का अगर मन किया ना भाई, तो कुछ ऐसी कार ज़रूर खरीद लूँगा मैं। क्या मज़ेदार कार है, हाँ पता है सब फन होगा, बाकी ये कार सही चलने वाली है नहीं। जिससे उसकी हालत देख के लग रही है वो 1986 का मॉडल है ये। अभी आपको हर तरह की कार मिल जाएंगे, जैसे कि ये सारी कार हो गई, ये वाली कार हो गई। पहली बार देख रहा हूँ कोई कार मार्केट जहाँ पे सेकंड हैंड कार बेची जाती है, एकदम अलग अलग जगह से ला के। पास में आप जानवर बेच रहे हैं, एनिमल्स मार्केट है, साथ साथ ही यहाँ पे कार मार्केट भी है। और एकदम हम लोग को कोई आइडिया नहीं था, ये चलते चलते यहाँ से जा रहे थे पहुँच गए। 1995 का है ये, पैसा नहीं लिखा रखा है इन्होंने, इसका इन्होंने लिख रखा है पैसे 1,10,000 सोम, इसका भी 1,70,000, इसका हो जाएगा पता नहीं, इन्होंने इसका 72,000, अच्छा 72,000 सब रखा है। 35,000 का दिखाया था मैंने आपको, ये 72, ये थोड़ा महंगा होना चाहिए, ये 2,00,000 सोम का है। तो भाई इस तरह की कार आपको यहाँ पर 1,70,000 मिल जाएगी इंडियन रुपीज़ में, 1,50,000 सोम। रशिया से कार है भाई ये, इसका दाम है भाई 1,10,000। और कब का मॉडल है, 2011 का मॉडल है ये। या ये वाली कार पता नहीं इन्होंने हटा दिया। I'm not really an expert in buying cars. I have a car back at home. So like in the US, of course, they're priced very differently. I think maybe $500 sounds a little too much for a car. Bhai khatarnak level ki neend aa rahi hai, lekin phir bhi wapas se ek jagah aur aa gaye. Animal market dekhne ke baad abhi raat ke subah ke 8:30 baj rahe hain. Raat bol raha hu kyunki neend aa rahi hai bahut zoron se. कि रात को सब 3-4 घंटे सोया हूँ। ये मार्केट यहाँ पे स्लाविक मार्केट है, पता चलो यहाँ पे आके देख लेते हैं। संडे का मार्केट है तो ये रोज संडे संडे को ही खुला रहता है, इसलिए सोने की बजाय हम लोग आ गए मार्केट को देखने के लिए। लोकल सा एरिया है यहाँ पे और मार्केट कुछ इस तरह होता है। मैंने आपको एक अफ्रीका में मार्केट दिखाया था, जो कि मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था, हार्ट ऑफ अफ्रीका वगैरह। कुछ ऐसा भी यहीं पर हाल है कि ये जो मार्केट है, मैंने आपको अफ्रीका का दिखाया था, आपको मैं किर्गिस्तान का मार्केट दिखाता हूँ। ये सेब वगैरह का ब्रांच है, अगर आपको लगाना है घर जाके तो। गुलाब का फूल, ये रावस्ट का चीज़ बेच रही है, आलू बेचा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सेब काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे सेब बेचा जा रहा है, ये भी चीज़ है। भाई साहब रैबिट बेच रहे हैं, आप चले जाओ किसी भी पार्ट दुनिया के, हर जगह आपको इस तरह के हटिये मिल जाएंगे। तो
दुनिया में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, हर जगह हट क्या है। अफ्रीका में दिखाया था मैंने, इंडिया में भी है, मेरे गांव में वगैरह में भी है, अब ये किर्गिस्तान में, रशिया में, हर जगह देखा है मैंने हटिया। मैंने यूक्रेन में देखा था कुछ ऐसा। जूते वगैरह बेच रहे भाई, सबसे सेकेंड हैंड। आई थिंक इस तरफ रास्ता है, ब्रिटेन दैट वे, उधर ज़्यादा कुछ है नहीं। इस तरफ लोग शरीफा बेच रहे हैं, और चिकन है भाई, चिकन। ये भाई पूरा बड़ा सा मार्केट, चाय वगैरह बिक रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान है इधर। स्कूल का 35 किलोग्राम था। Нет, вот это пиалка. Это пиалка. Да, она полная, вот так 35 даю. 35. Да. 35. 35. Да, да, да. 35 рублей का भाई ये पूरा कटोरी है। कुछ चटनी के साथ भाई मिल रहा है। Можно не снимать. Ну. Хорошо. Они там могут быть? Печатлям. Че? Компот? Компот, да? Это компот? Нет, это мед. Это... А, хорошо. Они бечь рады, Вайсон.